टेक्निकल रूप। आज हम एक पीएचपी के प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि पीएचपी में डेवलप किया है एज अ फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट यूज किया है और एज अ फॉर अ डेटाबेस MySQL डेटाबेस यूज किया है। तो रेलवे रिजर्वेशन का टिकट आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं, उसे कैंसिल कर सकते हैं और आप ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, तो सब आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। तो इसका फ्रंट पेज है जो कि हम उसे इंडेक्स पेज बोलते हैं, नेविगेशन फुटर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस। ऊपर जो फर्स्ट नेविगेशन बार दिया है आपको यहाँ करंट नेम और करंट डेट दिखेगा, यहाँ पे फिर लॉगिन रजिस्टर एडमिन लिंक का बटन, फिर बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि ट्रेन शेड्यूल, बैलेंस, स्टेटस, कैंसल, टिकट बुक, डेट, हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब जो फेमस प्लेसेस हैं आपको वो सब यहाँ दिखेंगे, स्टेज मतलब होटल्स, बड़े बड़े होटल्स जो कि फेमस है यहाँ दिखाई देंगे, कॉन्टेक्ट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टिकट बुक करना चाहूँगा औरंगाबाद टू मुंबई, यहाँ पे फ्रॉम औरंगाबाद मुंबई डालता हूँ, मैं आपको डेट सेलेक्ट करनी है जाने 25 और आप पैसे का सेलेक्ट कर सकते हैं, एसी स्लीपर कौन सा, सिंपली फाइंड थिंग्स। अभी मुझे बता रहा है कि आप लॉग इन नहीं किया, जो ट्रेन देखने के लिए या ट्रेन बुक करने के लिए सबसे पहले लॉग इन होना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे वैलिडेशंस अच्छे से दिए हैं, मैं अब एक न्यू यूज़र हूँ तो मैं रजिस्टर करना चाहूँगा, या आप रजिस्टर करता हो तो बहुत सारे आपको डिटेल डालनी है और इस सारे इसको मैंने वैलिडेशन दिया है। आप अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ या पासवर्ड इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड द सिंबल देन इट शोइंग द वार्निंग टू यू। अब मैंने यूज़र नेम डाला जियांग 43, देन पासवर्ड में डालता हूँ 1234, जस्ट ट्राई हाउ इट्स गोइंग टू वैलिडेट, रजिस्टर क्लिक करता हूँ, मुझे ये बताएगा पासवर्ड कॉम्बिनेशन मस्ट हैव द कैरेक्टर नंबर एंड द स्पेशल सिंबल एंड द लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6, मतलब 6 कैरेक्टर के ऊपर उसका लेंथ होना चाहिए और पासवर्ड जो कॉम्बिनेशन हो कैरेक्टर नंबर का और सिंबल को होना चाहिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड दूसरा डालता हूँ जो कि कैरेक्टर सिंबल प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ पे उसे कंफर्म करता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने रॉन्ग डाल दिया, पासवर्ड इस पासवर्ड से मैच नहीं होता, मुझे फिर से यहाँ पे दिखाएंगे पासवर्ड नॉट मैच, तो यहाँ पे मैंने वैसे वैलिडेशन दिए। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से चूज कर सकते हो सभी, अगर बाय चांस आप पासवर्ड फॉरगेट हो गया आपके तो आप इजीली इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से उसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम में डालता हूँ, तो मिडल नेम कुछ भी डाल सकते हैं, जेंडर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, इसके बाद डे और यहाँ पे आप ईमेल डालना है, यहाँ पे ईमेल का भी वैलिडेशन दिया है, अगर आपने ईमेल रॉन्ग डाला तो यहाँ पे वो आपको एरर मैसेज दिखाएगा, यहाँ पे नंबर वो सिर्फ 10 डिजिट के नंबर लेता है उससे ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, तरह जो एरर शो करता है। यहाँ पे एरिया जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, पिन कोड, सिटी, यहाँ पे आप सिटीज में ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी ऐड नहीं किया है, और स्टेट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो रजिस्टर कीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाया गया था यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैंने जो पहले यूज़र नेम यूज़ किया था जे 1234 ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मैं आप यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट करूँगा, यूज़र 123, यहाँ पे पासवर्ड के बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एरिया, पिन कोड, सिलेक्ट सिटी, स्टेट, हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं,
तो मुझे वो मैसेज दिखा रहा है, नाउ यू कैन बुक योर जर्नी, अब मैं टिकट बुक कर सकता हूँ। मैं सिंपली इंडेक्स पेज पे जाता हूँ, और अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, मैंने सिर्फ रजिस्टर किया है, तो मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ। यहाँ से इसे लॉगिन को मैंने डाला था, यूजर 150 पासवर्ड था, सिंपली मैं आगे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं अभी लॉगिन हुआ है। अब मैं टिकट बुक कर सकता हूँ या ट्रेन शेड्यूल भी देख सकता हूँ। सोमवार टू मुंबई मुझे जाना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ, 25 ऑल क्लासेस फाइन ट्रेन। तो औरंगाबाद से मुंबई जाने के लिए जितनी ट्रेन अवेलेबल है, जितनी ट्रेन जाती है, वो सब ट्रेन की लिस्ट मुझे यहाँ पर दिख जाएगी मुझे। और अगर मुझे यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन फिर से चेंज करना है, अगर मुझे कहीं और जाना है, लाइक लुधियाना से मुझे जाना है अहमदाबाद, मॉडिफाई सर्च, लुधियाना से अहमदाबाद के लिए भी ट्रेन जाती है, इसलिए मुझे नॉट ट्रेन अवेलेबल ऐसे बता रहा है। फिर से यहाँ पे करूँगा औरंगाबाद टू मुंबई, यहाँ पे जर्नी क्लास डेट मॉडिफाई सर्च, तो यहाँ पे ट्रेन नेम और ट्रेन नंबर दिखाता है, यहाँ पे नेम दिखाता है उसका नंबर, और कहाँ से कहाँ जाती है औरंगाबाद टू मुंबई यहाँ पे दिखाता है, और कौन कौन से समय जाती है, कौन कौन से डेज पर जाती है यहाँ पे दिखाता है, और उसका टाइम जो वो डिपार्ट्स होती है रिवल, और ड्यूरेशन एक्चुअली कितना टाइम उसे वहाँ तक जाने में लगता है, और यहाँ पे फेयर। अब ये नॉट अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो ट्रेन है इसमें सीट्स अवेलेबल है, इसलिए नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। दूसरी ट्रेन है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें सीट अवेलेबल है, मैं सिंपली यहाँ से उसे बुक कर सकता हूँ। अब एक पेज ओपन हो गया, तो यहाँ पे मुझे पैसेंजर की डिटेल्स डालनी है कि मैंने बुक करा और मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है। सिंपली ये जो आपका यहाँ डिवीजन दिख रहा है, तो ये आपका स्टेट बताएगा, अभी मैं पैसेंजर के स्टेट में, तो ये सिंपली ऐसा ही रहेगा। फिर मेरे रिव्यू स्टेट जब यहाँ पे जाऊँगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाएगी कि यहाँ पे आपको पैसेंजर नेम डालना है, यहाँ पे एज और यहाँ पे जेंडर। सिंपली यहाँ पे आपको एक टिकट का फॉर्मेट दिखाएगा, टिकट आपका हो, और यहाँ पे उसका अरेवल टाइम, डिपार्चर टाइम, कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, इनका नाम नंबर। अगर आप 3-4 पैसेंजर जाने वाले तो आप सिंपली ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर सकते हैं, टिकट अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आप यहाँ से उसे क्लोज भी कर सकते हैं सिंपली ऐसे। मैं यहाँ पे 2 पर्सन ऐड करूँगा, एज डालूंगा, एज की लिमिट 5 से ग्रेटर दैन ही रहेगी, उसका ही यहाँ पे मतलब फेयर कट जाएगा। और एक पैसेंजर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपको बताएगा जो आपने रजिस्टर करते समय डाला था, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। बट अगर आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना है, मतलब आपका आपको कौन से नंबर पे मैसेज आने चाहिए, तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते, चेंज कर सकते, तो आपको उस नंबर पे मैसेज जाएगा। अब मैंने डिटेल फिल कर दिए, तो सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे रिप्लाई करना है, रिप्लाई किया तो वो सब फिर से मुझे डालना पड़ेगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए मैं ये पेज जो है मैंने पैसेंजर डिटेल्स फिल कर दिए, मैं रिव्यू सेक्शन में हूँ, रिव्यू पेज में, तो यहाँ पे मुझे रिव्यू बताएगा कि कितने पैसेंजर नहीं पैसेंजर है, ट्रेन का नाम क्या है, कौन सा क्लास है, कितने पैसेंजर है, टू ट्रैवलर है, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जाती है, डिपार्चर टाइम और डेट, और जो जो पैसेंजर है उसका नाम, उसका एज और जेंडर। यहाँ पे सिर्फ रिव्यू दिखा देता है आपकी डिटेल जो फिल किया है वो सही या गलत। अभी टिकट में यहाँ पे पहले जैसा ही सिर्फ यहाँ पे ऐड हुआ थी ट्रैवलर, और कैरी नंबर आपको एक ध्यान में रखना होगा, जब आप टिकट कैंसिल करना चाहते हो या उसका स्टेटस देखना चाहते हो, एक कम आएगा टोटल फेयर उसका। एक टिकट का फेयर था 500, और दो टिकट हो गए 1000। मैं आपके रिव्यू हो गए, उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कार्ड की डिटेल डालनी, कार्ड की डिटेल मैं यहाँ पे डालती हूँ। अगर मुझे टिकट कैंसिल करना है तो मैं ऐसे इसे कैंसिल कर सकता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। कार्ड की डेट डालनी, डेट सीवीवी नंबर जो कि 3 डिजिट होता है, उससे ज़्यादा होने लगे, और यहाँ पे आप कोई भी आपका जो नाम है कार्ड पर, सिंपली पे क्लिक कीजिए,
और आपको यहाँ पे मैसेज से होगा योर टिकट बुक, टिकट आपका बुक हुआ, मैं कर पाऊंगा मेरा पेरेंट स्टेटस चेक करो फिर मेरा टिकट बुक हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पे फाइल डालता हूँ जो मेरा पी आर एन नंबर था और गेट स्टेटस पे क्लिक करो, मुझे यहाँ दिखाई देगा मेरी सब स्टेटस बुक है, यहाँ पे ट्रेन नंबर, कौन सा ट्रेन का क्या नाम है, ऐसे सोर्स डेस्टिनेशन, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा टाइम पे मिलेंगी ट्रेन, कौन सा टाइम पे वहाँ पर पहुँचेगी, डेट और आपका मोबाइल नंबर और उसी यूज़र के अकाउंट से आपने टिकट बुक किया है। और सिंपली आप कैसे ये टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं कैंसिल नहीं करता, मैंने और एक ऐप ऐड किया है कि मैंने पहले कैंसिल कर दिया है, ये स्टेटस जो पेरेंट नंबर था वो मैंने कैंसिल कर दिया है, यहाँ कहाँ से कहाँ जाना है, ट्रेन का नाम, डेट, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे ट्रेन शेड्यूल, अगर आपको चेक करना है कि कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जो ट्रेन अवेलेबल है हायर सिटी से की वो सब दिखाई, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, ये ट्रेन पे मैं क्लिक करता हूँ और सर्च कर, मुझे यहाँ पे ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर, कहाँ से कहाँ जाती है, कब जाती है, कब वहाँ पहुँचती है, सब दिखाई। और देखेंगे हम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, उसके बाद हमने चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी, देखिए चेन्नई एक्सप्रेस दो ट्रेन जाती है, परम्बर मुंबई एंड मदुराई से चेन्नई, यही हो गया ट्रेन शेड्यूल। ऐसे इनकी डिटेल देख सकते हैं, चेकअप ऐसे कहा परम्बर टू सिकंदराबाद। और ये हो गया कैंसिल टिकट, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप प्यारे नंबर डाल के टिकट कैंसिल कर सकते हैं, और एक पी आर ए नंबर में डाल के देखा हूँ लेटेस्ट स्कोर, हाँ, और एक टिकट जो यहाँ पे बुक किया, तो मैं आप इस मैं तो इसे कैंसिल करके देखा था, मैंने इसे किया कैंसिल, टिकट कैंसिल हो गया। इसे क्या करूँगा यहाँ पे फिर कोड डालूंगा और ये स्टेटस दिखा गया, अब यहाँ पे दिखा रहा है बुक, एक्चुअली मैंने इसे कैंसिल किया, गेट स्टेटस क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टेटस दिखा गया कैंसिल, जो कि उसका पी आर ए नंबर 4 है, मैंने अभी कैंसिल किया। तो उसके बाद हो गया, अब हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब जो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है वो आपको यहाँ पे बताएगा, उसकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताएगा, बेस्ट टाइम बताएगा, उसी टाइम में वहाँ जाना ठीक है। और आपको और इंफॉर्मेशन अगर देखने का सिंपली रेड मोड क्लिक कीजिए, आपको सब इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे ऐड किए ऋषिकेश, बेंगलोर, आप ऐसे उसकी फुल डिटेल जान सकते हैं। ये हो गया हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। स्टेज आपको यहाँ पे होटल की होटल दिखाएगा कि कौन कौन से होटल है, सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसकी भी डिज़ाइन जो है रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइडर ऐड किया है जो कि हरिद्वार, इंदौर, न्यू दिल्ली में कौन कौन से होटल है सब यहाँ पे दिखाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इंदौर पर क्लिक करने के बाद मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे इंदौर में जितनी सारी अवेलेबल होटल्स हैं तो वो दिखाया, तो का स्टार्ट और स्टॉप टाइम और उसका फेयर कितना है, तो उसका लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप ऐसे कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रायपुर करता हूँ, रायपुर में ये होटल अवेलेबल, उसका नाम और वो लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये था स्पेस के बारे में, अब हम जानेंगे कॉन्टेक्ट पर। एक कॉन्टेक्ट पेज है, आप यहाँ से फीडबैक सेंड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा और मेरा ईमेल आईडी कमेंट में लिखूंगा, समथिंग सिंपली सेंड क्लिक, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट मैसेज से शो करेंगे। यही होगा यूज़र के लिए, एक्चुअली यूज़र क्या क्या इस पर कर सकता है, टिकट बुक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ट्रेन शेड्यूल देख सकता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देख सकता है और होटल्स देख सकता है। अब हम जाएंगे एडमिन पेज, ये एडमिन क्या क्या कर सकता है इस वेबसाइट, सिंपली आपको यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक, एडमिन का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला और पासवर्ड ए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो डैशबोर्ड है, एडमिन का जो पैनल है वो पैनल ओपन हो जाएगा। तो
लेफ्ट साइड में मैंने बहुत सारे टैब लिए। तो फर्स्ट है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आपको क्या दिखाएगा, वो ओवरव्यू दिखाएगा पूरे प्रोजेक्ट का। अपने यूजर ने रजिस्टर किया, तो दो यूजर ने रजिस्टर किया, ये ऑलरेडी मैंने कर रखा था, ये बाद में हमने अभी किया, तो ये सब हो गए। नेट फ्रेंड्स अवेलेबल क्या पे दिखाएंगे, 7 टिकट अवेलेबल। नेट टिकट बुक हुई, और 2 टिकट बुक हुए, उसमें 3 टिकट बुक है और 2 टिकट कैंसिल। और यहाँ पे फीडबैक दिखाएंगे, पहले एक फीडबैक दिया था, अभी हमने दिया, वो मिलाकर 2 हो गए। यहाँ पे कितने फीडबैक आए, कितने टिकट बुक है, कैंसिल हुए, कितने अटेंडेंस अवेलेबल है, कितने यूजर रजिस्टर है, सब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखाएगा। जाते हैं ट्रेंस में, यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कितनी डिटेल देख सकता हूँ, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस की डिटेल मुझे देखनी है, तो मैं गेट स्टेटस पे क्लिक करूँगा, मुझे उस ट्रेन की सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी, इस लोकेशन से कहाँ जाती है। अब मैं और चेक करना चाहूँगा चेन्नई एक्सप्रेस की डिटेल, जो कि 2 जगह जाती है, तो मुझे यहाँ पे 2 टैब ओपन हुए और उसके 2 लोकेशन उसने बताया कहाँ से कहाँ जाती है। रू ट्रेन में मैं सिर्फ ट्रेन डिटेल देख सकता हूँ। उसके बाद है ऐड ट्रेन डिटेल्स, सिंपली आप कोई भी ट्रेन ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक ट्रेन 1201, एक्सप्रेस सीट अवेलेबिलिटी मैं दूंगा 100 और क्लासेस सोर्स एक पास से कहा जाती है, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और अहमदाबाद से पुणे, टाइम यहाँ पे दोपहर को 1 बजे, वहाँ पे खड़ी होती है 6 बजे, तो कितना फेयर है 400। डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रेन की डिटेल वहाँ पे ऐड हो जाएगी, न्यू ट्रेन ऐड। अब हम न्यू ट्रेन में जाकर देखते हैं कि ये ट्रेन ऐड हुई या नहीं, दिखाई देगा एक तरफ हमने अभी ऐड किया, नाम नंबर लोकेशन कहाँ से कहाँ जाने वाले, उसका हमने ऐड किया डिटेल्स। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन की डिटेल एडिट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ट्रेन का नंबर डालना है, अभी हमने जो ट्रेन ऐड की थी हम उसकी डिटेल एडिट करेंगे, 011 गेट डिटेल्स, ये देखिए यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई। आप यहाँ पे उसका ट्रेन नंबर नहीं चेंज कर सकते, आप उसका ट्रेन नेम, सीट अवेलेबिलिटी, अब मुझे यहाँ पे 17 करना है, मैं 17 कर देता हूँ, मुझे औरंगाबाद को पुणे नहीं औरंगाबाद को दिल्ली करना है, औरंगाबाद दिल्ली अपडेट डिटेल्स कर देता हूँ, एंड डेट अपडेटेड। तो हम फिर से व्यू ट्रेन में जाएंगे और उस ट्रेन का डेटा देखेंगे चेंज हुआ या नहीं। देखिए औरंगाबाद से दिल्ली जाने वाली, हमने यहाँ चेंज किया पुणे टू दिल्ली, ऐसे दिल्ली यहाँ डाल दिया, इतने जो है बहुत सारे ऐसे पॉसिबल ट्रेन की डिटेल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये वाली चेन्नई एक्सप्रेस, तो यहाँ पे दो स्टेशन आएगी, फर्स्ट स्टेशन है मदुरई से चेन्नई जाने वाली जाती है, सेकेंड जो स्टेशन है औरंगाबाद टू मुंबई जाती है। मैं दोनों में से आपको जो एडिट करना है डिटेल आप वो एडिट कर सकते हैं यहाँ से। तो जितने आपने डेस्टिनेशन दिए एक से ज़्यादा, तो उतने आपको यहाँ पे डिवीजन दिखाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए मैंने यहाँ पे 2 दिए थे, यहाँ पे 2 दिखाएगा। और उसके बाद हम जाते हैं डिलेट ट्रेन, आप ऐसे कौन सी भी ट्रेन डिलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन, अगर आपने ट्रेन डिलेट की तो आपका सब डेटा जो कि ट्रेन से रिलेटेड है सब चला जाएगा। कंडीशन से या आपने व्यू टिकट्स भी चेक कर सकते हो कि कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक कितने टिकट बुक हुए हैं, और बुक टिकट और कैंसिल टिकट देख सकते हैं। मैं व्यू टिकट्स क्लिक करूँगा, मुझे दिखाएगा आज हमने एक नेक प्रेस का या मुझे वो बताएगा। उसके बाद आप हम जाते हैं व्यू फीडबैक, व्यू फीडबैक में जाने के बाद पहले वाला जो फीडबैक है दिया था हमने, अभी एक फीडबैक दिया था वो यहाँ पे बताएगा उसका नाम, मेल और मैसेज में क्या ये हुआ है। एडमिन पेज का, एडमिन पैनल का, हमने अभी जो ट्रेन ऐड की थी हम यूज़र
कि इस पे जाके चेक करेंगे वहाँ पे दिखती है या नहीं। तो यहाँ पे लॉक बटन में सिंपल पैसे लॉक करता हूँ और शेड्यूल में जाता हूँ, यहाँ से एक्सप्रेस की यहाँ पे भी ऐड हो गई। तो मैं सर्च करता हूँ तो मुझे पहले तो सब प्रोजेक्ट ये जो PHP में डेवलप किया है और इसे जो डिज़ाइन किया है वो बूटस्ट्रैप की मदद से किया है, इसीलिए रिस्पॉन्स भी आप इसे मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, अभी भी आपको ये रिस्पॉन्स ही दिखेगी। हिस्टोरिकल कैसे इसे मोबाइल साइज कर देखो, देखिए कैसे ऑटोमेटिकली। तो ये प्रोजेक्ट, अगर आपको ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे एज अ मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कॉलेज में देना है, और आप इसे बहुत सारा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपका PHP स्ट्रांग है और आपको डिज़ाइन अच्छे से आती है तो आप इसमें बहुत ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आज का वीडियो प्रोजेक्ट को, तो अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया तो सिंपली कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट कैसा था, और अगर आपको और वीडियो चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज अ टेक्निकल रूट। थैंक यू।